एक बार प्यार से गुड मॉर्निंग बोलो पूरी क्लास। पक्का इतना ही जोश है क्या आज? एक बार प्यार से गुड मॉर्निंग बोलो। एकदम प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जो जो लोग ब्रश करके आए, यू कैन शो मी सम टीथ। ऑलराइट, सो प्यारा सा गुड मॉर्निंग। एंड मैम क्या हुआ? चार दांत, यस रैबिट। सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। एंड मेरे राजा बेटा, आज ग्रुप टू की शुरुआत करते हैं। किसी भी तरीके से आपको ये समझा दूं कि आज का दिन हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एक एक दिन मैटर करेगा, तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी कि आपके लिए भी एक एक दिन मैटर करेगा। पॉइंट नंबर टू, नाउ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अब तुमको ये सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा, बट बेटा जी, जिन लोगों ने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया उनके लिए बुरी खबर है, और जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए बुरी खबर नहीं, क्योंकि जिन्होंने एक ग्रुप दिया उनके पास ऑप्शन था कि दे कुड हैव गिवन बोथ द ग्रुप्स। आई टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली नाउ कि एडवांस्ड अकाउंट्स इज नाउ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप टू। इट इज टफेस्ट, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए आपके सिलेबस में, कुछ टॉपिक ग्रुप वन से शिफ्ट होकर ग्रुप टू में आ गए, एंड इट इज डेफिनेटली नाउ व्हाट आई कैन से इज एडवांस्ड अकाउंट्स। इट इज नॉट ओनली अकाउंट्स, इट इज एडवांस्ड अकाउंट्स। सो इट इज द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रुप टू, 100% बियॉन्ड अ डाउट। कौन से टॉपिक है इसमें, तो वो टॉपिक्स की लिस्ट में भी आपको बताऊंगा, बट आप एक दिमाग में क्लियर कर ले कि ये जो पाला पड़ा है अब सब्जेक्ट का, वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। सो क्लास का टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 8:45। मैं अभी तो कुछ निकल ही नहीं पा रहा हूँ। 7:45, ऐसा कौन करता है पहले दिन कोई करता है क्या? ना लाइक, सो आई एम सेइंग कि 7:45 को वी स्टार्ट, एंड वील वाइंड अप आर क्लास बाय 10:25, 10:25 तक। इज दैट ओके? हाँ, 10:25 ही ना। एंड यू आर ऑल एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एवरी डे, एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो एक बार सिलेबस देखना शुरू करेंगे, उसके बाद में क्लास के रूल्स वगैरह कर लेंगे। अपनी अपनी नोटबुक ओपन करो। नहीं, मुझे पता, आज मैं बहुत टाइम देता हूँ, डे वन आई गिव लॉट ऑफ टाइम, एकदम स्लो मोशन में। हो सके तो बैग नीचे रख दो, कोई नहीं लेके जाता इधर बैग। आज तक किसी का बैग चोरी नहीं हुआ है, बाकी की चीज़ें होती है, बैग किसी का चोरी नहीं हुआ है। बैग नीचे रख सकते हो अगर हो सके तो। देखो, रख दियो क्या पांडे जी? बहुतन बढ़िया। सो शल आई, सो सीए इंटर ग्रुप टू का सिलेबस पहले आप लिखना शुरू करिए। इसॉप, इसॉप इज अरे नलायक, ऐसा कौन करता है? इसॉप इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसॉप इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। बेटा वहां पर लिखने के लिए कुछ नहीं, आप पीछे चले जाओ ना जगह पर। ईसॉप का मतलब क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो लिख दिया ईसॉप, शाबाश। फिर अगला लिखिए बायबैक। अगला टॉपिक लिखिए बायबैक। पहला वाला था ईसॉप, दूसरा वाला था बायबैक। तीसरे टॉपिक का नाम लिखिए बेटा जी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तीसरे वाले टॉपिक का नाम लिखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तीसरा वाला टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके। देन यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक इज अमालगमेशन। अमालगमेशन, amalgamation of companies actually. Then the next topic you can write down is dissolution of firm. Dissolution of firm, dissolution of firm. Then next topic I'll tell you is amalgamation and sale of firm. Amalgamation and sale of firm, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद में अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फर्म। नमस्ते पांडे जी, लेट हो गए आज आप। अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फर्म, ओके। देन राइट डाउन बैंकिंग कंपनीज, शॉर्टकट में लिखो, क्या लिखोगे? बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज। देन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज।
देन यू हैव टू राइट डाउन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, एनबीएफसी. एंड द लास्ट वन यू हैव टू राइट डाउन होल्डिंग और कंसोलिडेशन. होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट, होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताया, इन टॉपिक्स में दिस टॉपिक इज इजी, दिस टॉपिक इज इजी, दिस इज ऑल्सो इजी, एंड मे बी दिस इज इजी and this is easy. Remaining topics will have to, you know, little bit slog a lot. थोड़ा सा अपने को मेहनत ज़्यादा लेना पड़ेगा. अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, तो पेपर पैटर्न देखने के बाद मैं आप खुद ही समझ जाओगे कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है. इज दैट ओके? यस. संतोष गया ना लाइक. ठीक है, क्या हो गया? अगला अगला लिखो. AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, उसमें से फर्स्ट लिखो AS4. आज हम नाम नहीं लिखेंगे, हेडिंग नहीं लिखेंगे. AS4 इज इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. सब लिखता नहीं बैठेंगे, सिर्फ AS के नंबर लिख देंगे. AS4, AS5, AS7, AS4, AS5, AS7, AS9 revenue recognition, AS17 segment reporting 17, AS18 related party, AS19 leases, okay, AS20 earning per share EPS, AS22 accounting for taxes on income AS22, AS24 discontinued operation AS24, AS26 intangible asset, and AS29 provisions and contingencies. All right. So group 2 mein is bar 110% paper pattern change hoga. आई रिपीट, ग्रुप टू में 100% इस बार पेपर पैटर्न चेंज होगा. क्यों? कितने स्टैंडर्ड्स आपके पास हो गए बेटा जी? देर आर 12 स्टैंडर्ड्स विच यू हैव टू वर्क इन ग्रुप टू. ग्रुप वन में स्टैंडर्ड्स कम थे. ग्रुप वन से स्टैंडर्ड जो शिफ्ट हो गया है, AS4 पहले ग्रुप वन में था, AS5 ग्रुप वन में था, AS22 ग्रुप वन में था, एंड आई बिलीव AS17 वॉज ऑल्सो इन ग्रुप वन. सो कुल मिलाकर 4 स्टैंडर्ड शिफ्ट होकर किधर आ गए? ग्रुप टू में. तो बेटा जी पेपर पैटर्न चेंज होने की पूरी पूरी संभावना है इस बार लगती है. एएस पर इस बार क्वेश्चंस मुझे लगता है रेगुलर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें नहीं रहेंगे, और भी आगे भी क्वेश्चंस रहेंगे. सो द एक्सपोजर इन एएस वुड इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप टू दिस टाइम ऑनवर्ड्स. दिस बैच, दिस योर वुड बी द फर्स्ट बैच टू हैव एन इंक्रीज्ड एक्सपोजर इन एएस. सो नाउ कैन आई प्रोसीड लिटिल बिट मोर फर्दर? आर यू ऑल रेडी? ओके, तो सुनो अभी मेरी बात ध्यान से. सो नोट्स एक बार समझ लेते, तुमको नोट्स कौन से मिलेंगे. सो यू विल बी गेटिंग अप, वन इज क्लास वर्क, ठीक है. दूसरा वाला होगा MCMR. व्हाट इज MCMR फ्रेंड्स? माय करियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. हुज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? माय और योर्स? योर्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बुक्स प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ प्रोवाइड करता हूँ. वो सारी बुक्स के क्वेश्चन मेजोरिटी, आई एम नॉट एग्रीइंग एंड एक्सेप्टिंग कि मैं सारे क्वेश्चंस कराता ही हूँ, बट यस आई विल टेल यू कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस की जिम्मेदारी मेरी क्लास में मैं आपकी करा लेता हूँ. सो आई विल बी कवरिंग अप योर क्लास वर्क एंड MCMR इन द क्लास. दिस इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स योर RTP प्लस मॉक पेपर. इट इंक्लूड्स योर ऑल मॉड्यूल क्वेश्चंस. ठीक है, और इंस्टीट्यूट का जो कोई भी मटेरियल आता है, उस मटेरियल में कहीं पर कोई भी क्वेश्चन रहा तो दोस क्वेश्चंस वी डू इट इन द क्लास. सो प्लस क्वेश्चन पेपर एज वेल. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अगर कहीं पर कोई भी क्वेश्चन है तो वो हम सारे क्वेश्चन करते हैं, मतलब करते हैं बाय डिफॉल्ट एज अ मैटर ऑफ रूल. अब मेरे राजा बेटा, एक चीज आपको समझनी है इधर, कि कई बार बच्चा भटक जाता है, इसलिए प्रॉब्लम है. आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? यू आर हैविंग टोटल सब्जेक्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10.
टेन है, कैसे टेन है, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके एंगल से बता रहा हूं, फर्स्ट अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, डीटी एंड जीएसटी, एग्रीड, फिर इधर एडवांस्ड अकाउंट्स, देन ईआईएस, एसएम, ऑडिट, एफएम, इको, एम आई कम्युनिकेटिंग। सो जब आपका ग्रुप टू चल रहा है तो आपके कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है, अरे बाप रे मेरे कुछ 11 सब्जेक्ट हो गए। सो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर माय डियर फ्रेंड, यू हैव गॉट 11 सब्जेक्ट्स टू स्टडी। अच्छा फर्स्ट थिंग, डू यू ट्रस्ट योर टीचर, आर यू श्योर अबाउट इट, एंड इन केस यू डोंट ट्रस्ट तुम्हारी लाइफ खतरे में है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो तुमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग विच आई नीड टू टीच यू इज यू नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर टीचर। रूल नंबर वन, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप वन दिया है और जो ग्रुप वन देने वाले हैं। कितने टाइप के बच्चे हुए, दो, जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप वन दे दिया है और जो ग्रुप वन देने वाले हैं, ऐसे दोनों ही बच्चे। जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया है उनको रिजल्ट की चिंता सता रही होगी, बराबर है, और जिन्होंने अभी देना बाकी है उनको ये बहुत ज्यादा डर सताएगा कि साला जो अभी तक हो गया उसका पढ़ाई कैसे करेंगे। बट मेरा भरोसा मानो बेटा जी, अगर आप अभी छह सब्जेक्ट कर रहे हो तो उसके बाद में इन छह सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप वापस ग्रुप वन की पढ़ाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। खाली पुकट किसी के झांसे में मत आना, परेशान मत होना कि सर प्लीज ग्रुप वन की पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी। ट्रस्ट माई वर्ड्स, यू स्टार्ट स्टडिंग योर ग्रुप टू एट दिस मोमेंट, ग्रुप वन अपने आप विल टेक इट शेप इन योर पीएल, और पीएल का टाइम सफिशियंट होता है इफ यू प्लान इट प्रॉपरली, इज दैट ओके। सो मुझे बताओ अभी रूल नंबर वन क्या बना तुम्हारे पढ़ाई के एंगल से, फर्स्ट वन यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर, एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट देर इज अ प्रॉब्लम। सो वंस यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर टीचर, देन वॉट इज द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू, अंडरस्टैंड द प्रस्पेक्टिव इन विच यू कैन स्टडी। तुम्हारे पास जो समय है वो लिमिटेड है, टाइम नहीं बढ़ सकता, टाइम लिमिटेड है, और उस लिमिटेड टाइम में हम लिमिटेड चीजें कर सकते, सारी चीजें नहीं कर सकते। अब रूल एकदम सिंपल बन गया कि अगर आप लिमिटेड चीजें कर सकते हो तो ग्रुप वन अभी पढ़ाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मोर स्पेसिफिकली जब आपकी इतनी सारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग ऑल दिस क्लासेस, कितने बच्चे सारे क्लासेस कर रहे हैं, सो ऑलमोस्ट होल क्लास, ऐसा तो नहीं कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है बाकी क्लासेस, so everyone is doing these classes, so you will be occupied here for how many hours, 9 to 10 hours, नहीं 12 घंटे बकवास है, 9 से 10 घंटे, झूठ मत बोलो तुम, मैं लाइक थोड़ा सा इमोशनल किया है ना, सेंटी मारना चालू कर देते तुम, बहुत बहुत गधेड़े। सो कुल मिलाकर कितने घंटे आप यहाँ पर हो, 10 घंटे के आसपास यहाँ पर हो। अब उसके बाद में जाकर आपको 8 घंटा सोना भी है, नहीं प्लीज इमोशनल मत होना, मुझे पता है कि तुम्हारे को नींद कम मिलती है, बट मेरे हिसाब से 8 घंटा सोना जरूरी है। सो कुल मिलाकर आपके पास ज्यादा समय नहीं बचता, खाना पीना ट्रैवलिंग कम्यूटिंग एवरीथिंग मिलाकर आपके पास जो समय बचा है वो कम है। अब इसके अंदर ग्रुप वन की चिंता मत करो। तो क्या चिंता करनी है, चिंता तो करनी है किसी चीज की, क्या करनी है, तो मेरी बात सुन रहे हो अभी, क्या करना है, यू ऑल आर गोइंग टू वर्क वेरी प्रोफाउंडली एंड वेरी केयरफुली ऑन ग्रुप टू। देखो क्या करना है, अगर किसी भी तरीके से तुमने ग्रुप टू की पढ़ाई अच्छे से कर ली और ग्रुप टू क्लासेस के साथ खत्म कर दिया, स्टिल यू विल बी लेस बाय 3 subjects, 4 subjects, 6 subjects, जैसे भी आप प्लान करते हो। मतलब अगर मान लो आपने ये डिसाइड किया कि क्लासेस के साथ मैं मेजॉरिटी सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, सो स्टिल यू विल बी एबल टू कंप्लीट अप 6 subjects। अगर आप मान लो 6 नहीं करते हो, आप बोलते हो कि नहीं मैं 4 करूंगा, 4 कर लो, 3 बोलते हो 3 कर लो, पीएल में बाकी की सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। हर रोज सेल्फ स्टडी करना घर पर जाकर, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है हर रोज जाके प्रैक्टिस करना, यही लाइव क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस देन मेरे क्लास को अटेंड करने से आज तक तो कोई बच्चा पास नहीं हुआ है। यस कंफ्यूज मैटर ऑफ फैक्ट है, किसी की क्लास अटेंड कर कोई बच्चा आज तक पास नहीं हुआ है। अपना अपना फाउंडेशन का रिजल्ट याद कर लो, तुम्हें क्या लगता है क्लासेस की वजह से पास हुए, सिर्फ तुम्हारी मेहनत थी। और मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइमरी चीज गोल ये होता है कि आपकी मेहनत है, तो प्लीज मेरी बात वापस से समझना, प्यार से समझना कि बेटा जी गलती मत करना, आपको ग्रुप वन का अभी चिंता नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन व्हाट योर ग्रुप टू फर्स्ट। वंस यू हैव डन विद योर ग्रुप टू,
देन यू विल डू पीएल में ग्रुप वन का पढ़ाई। तो क्या आज हम ये चीज क्लियर हो गए क्या? क्योंकि मुझे पता है क्या क्वेरीज आती है, आई हैव बीन वेरी यूज टू दिस क्वेरीज नाउ, कि मुझे जो क्वेरीज आने वाली वो ये है कि सर ग्रुप टू तो जम रहा है अभी, बट ग्रुप वन का टेंशन आ रहा है, क्या करोगे? टेंशन लोगे घर पे जाके? वो तो एक चीज तुम बहुत नॉर्मली और नेचुरली करते हो। सो आर यू गोना टेक टेंशन? मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा राजा बेटा, क्या इतना सब मटेरियल सफिशिएंट है क्या? अब मैं आपको एक बात बताऊं कि फाउंडेशन में आपको मिलते हैं कितने महीने पढ़ने के लिए? नहीं अब मैं बात नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता चल गया तो तुम साधु संत के जैसे बैठे हो, बात नहीं करते हो नालायक। कितने दिन मिलते हैं आपको फाउंडेशन की पढ़ाई करने के लिए, क्लासेस करने के लिए, पढ़ने के लिए? कितना दिन मिलता है? 6 महीना मिलता है क्या? पक्का श्योर हो? तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी 12th की क्लास कंप्लीट हुई, उसके बाद में तुमने क्लासेस लगाई, क्लासेस लगाने के बाद में अराउंड 1-1.5-2 महीने में तुमको ये मिला। क्या मिला? पीएल मिला। बहुत धनाधन आराम से सो सोकर बैठकर पढ़ाई की, क्लासेस में 2-2, 3-3 बार रिवीजन हो गए कुछ के तो। हाँ हुआ था ऐसा। और कितने सब्जेक्ट थे? 4। उस जमाने में आपको फाउंडेशन भी टफ लगा करता था, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैटर ऑफ फैक्ट है। सर जी उस समय सब्जेक्ट थे अकाउंट्स, लॉ और कौन सा था? मैथ्स। उसमें मैथ्स एक ड्रेडेड था, ठीक है, मेरे को भी ड्रेडेड था, मैं मानता, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। उसमें से 2 तो गोले करने थे, ABCD, 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 इसमें फेंके होंगे आई एम श्योर। तो कुल मिलाकर 4 LR में फेंके, गुड। तो कुल मिलाकर कितने सब्जेक्ट थे? 4। और 4 के लिए आपको 6 महीना मिला, और उसके बाद में आपको पीएल भी अच्छी खासी मिल गई थी, और सब्जेक्ट भी एकदम टाइम पास। बेटा जी इंटरमीडिएट वो चीज नहीं है, इंटरमीडिएट यू हैव गॉट 11 सब्जेक्ट्स एंड यू हैव गॉट ओनली 6 मंथ्स ऑफ क्लासेस एंड 3 मंथ्स ऑफ पीएल, जिसके अंदर आपको पढ़ के खत्म करना है। एग्रीड? सो हियर द प्लानिंग इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। इस प्लानिंग का एक हिस्सा ये है कि जो आपकी बुक्स में आपको दे रहा हूं, मैं आपको वचन देकर बोल सकता हूं कि अगर आप मॉड्यूल के प्रॉब्लम सारे कवर कर लेते हो तो आपका पेपर मॉड्यूल से ही आएगा। अब इसमें देर इज नो मैजिक एज सच, जो सिलेबस है वो सिलेबस कवर कर लेंगे तो आ जाएगा पेपर। तो विदाउट इवन थिंकिंग सेकेंड टाइम आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि इफ एट ऑल यू वांट टू सी एडिशनल मटेरियल, व्हेन यू शुड सी, आई विल ऑलवेज एनकरेज माय डियर स्टूडेंट्स कि आप एडिशनल मटेरियल देखो, क्योंकि जो जो पिटफॉल में आप गिरने वाले हो उससे बचा रहा हूं। आप एडिशनल मटेरियल देखो कब? जब आपका पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल सारा पढ़ के हो जाए तब। You want to become research, आपको रिसर्च करना है, you want to become researcher, whatever you want to do it sir, but पहले क्या करोगे? पहले आप मॉड्यूल और इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा कंप्लीट करोगे। अगर वो कंप्लीट नहीं होता है आप डायरेक्टली सोचते हो कि नहीं आई विल गो फॉर यू नो एडिशनल मटेरियल, वहां पर गड़बड़ होगी, गड़बड़ नंबर 2। गड़बड़ नंबर 1 क्या होती है? गड़बड़ नंबर 1 क्या है? नलायक ऐसा है ना, संडे को आयो ऐसे नलायक, पता नहीं गड़बड़ नंबर 1 कैसे कही थी मैंने। अच्छा ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 1 के बारे में सोचने का, बोलो हाँ। So, गड़बड़ नंबर 1 क्या है? ग्रुप 1 का सोचना है कि नहीं सोचना है? अभी अभी किसके बारे में सोचना है? अच्छा गड़बड़ नंबर 2, हम बुक्स कौन सी रेफर करेंगे? नहीं समझ में नहीं है, आईसीआई क्या मॉड्यूल मटेरियल सब रेफर करने का क्या? अच्छा क्या मेरे बुक में ये सारी चीजें कवर्ड है क्या? तो अगर आप इसको कवर अप कर लेते तो आपका हो जाएगा यस। अच्छा मैंने भी कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं लगा, मॉड्यूल का मटेरियल कर लेंगे तो हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है, और अभी तक होते आया, तुम्हारे केस में भी हो जाना चाहिए, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो आप सारे लोग मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स करेंगे, सभी बच्चे मेरे क्लास के बच्चे हर एक बार ध्यान रखेंगे कि आपको सिर्फ क्लास के नोट्स नहीं देखने, आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बार मॉड्यूल ओपन करके देखना है, वो जो साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस है वो बहुत भारी है, अच्छा लगता है आपको भी, यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी बीच में से एक आध बार ओपन करके देखने का मॉड्यूल कि जम रहा है कि नहीं जम रहा है, तो इट विल हेल्प यू आउट, इज दैट ओके? सो शैल वी गो अहेड? सो दीज आर द नोट्स, नोट्स वुड बी कलर, ये उन बच्चों के लिए बताया जा रहा है जो हमारे ये करते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या करते हैं, वर्चुअल क्लासेस करते हैं, पेंटर, उनको आइडिया होनी चाहिए कि हमारे नोट्स कैसे रहेंगे। तो नोट्स रहेंगे कलर, नोट्स लिख लो कौन से रहेंगे आपको, कौन से नोट्स मिलेंगे। फर्स्ट क्लास वर्क, जल्दी जल्दी लिखो क्लास वर्क, फुर्ती से लिखो क्लास वर्क, फिर MCMR, इस बार और एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज की नोट्स, आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट अगेन, की नोट्स। की नोट्स में आप फास्ट तरीके से रिविजन कर पाएंगे वापस इन चीजों का, ठीक है, चले अभी आगे। ऑलराइट,
ओके अभी ये मैंने कुछ पेपर पैटर्न एनालाइज किया है, आर वी रेडी टू चेक इट अप? ओके ये मई 18 का पेपर है, मई 18 का पेपर है, देखते तुम्हारी एनालिसिस कितनी स्ट्रांग है। मई 18 का पेपर फर्स्ट पेपर था, इसमें 4 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क का था, तो कितने मार्क्स हो गए? 20। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क का था, तो कितने मार्क्स हो गए? 20। सो कुल मिलाकर अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 के 6 क्वेश्चन 20 मार्क के एक होते हैं, मतलब टोटल पेपर आएगा 120 मार्क का। आप चेक कर लीजिए, इधर एक ही क्वेश्चन था 20 मार्क का, इधर बेटा जी 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर ए 10 मार्क का था, बी और सी 5-5 मार्क के थे, सो कुल मिलाकर कितने मार्क हो गए? 20, और अगेन ईयर 20, और यहां पर 5 क्वेश्चन थे, एनी 4 थे इसमें से, सो कितने मार्क का हो गया बेटा जी? अगेन 20। सो कुल मिलाकर पेपर 125 मार्क का आया था, अगर टेक्निकली हम देखा जाए विद ऑप्शंस। हाउ मेनी मार्क्स सर? 125 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लिखने थे? 100 मार्क्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। क्या है क्वेश्चन का पैटर्न? ये क्वेश्चन 5 मार्क का एक था, ये क्वेश्चन 10 मार्क का एक था, ये क्वेश्चन 10 मार्क का एक था, सो कुल मिलाकर, और ये क्वेश्चन 5 मार्क के थे, ये क्वेश्चन वापस एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का, और ये क्वेश्चन कितने मार्क के थे बेटा जी? 5। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको इधर लिखकर बताऊं, समरी दूं, तो समरी क्या है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आए थे? 4, और इधर 2, और इधर 4, 4 मान के चलते हैं, तो बताओ मुझे कितने हो गए? 5 + 2, 2 हो गए ना इधर बी एन सी, और ये कितना है? 4। कितने टोटल क्वेश्चन हो गए? 11। की टू सक्सेस सर? 11 हो गए ना, 5 2 7, 7 4 11, 11 ही ना, क्या प्रॉब्लम? अच्छा स्टार्टिंग में 4 लूं क्या? हाँ आई एम सो सॉरी, स्टार्टिंग में 4 ली, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए क्या? हाँ बराबर बोल रहे हैं, क्वेश्चन 4 ही है ना बे, वो मानती नहीं वो जल्दी। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन कितने हैं? 10। की टू सक्सेस मैंने दे दी तुमको, 50 मार्क का पेपर 5 मार्क के क्वेश्चन में बट के आया है, 5 मार्क के क्वेश्चन टफ नहीं हो सकते बेटा, 5 मार्क का क्वेश्चन टफ हो सकता है क्या? मेरी बात समझ आती है आपको मैं क्या बोलता हूं? 50 मार्क्स का पेपर इज बेस्ड ऑन 5 मार्क्स क्वेश्चन, सो दैट, और ये ऑड सिचुएशन थी, मैं आपको अगले कुछ पेपर्स और एनालाइज करके बताऊंगा, तो आपको एक रूल बना लेना है, अगर जिनको पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, रूल नंबर 1, डू नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन, नॉट इवन अ सिंगल लाइन, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी है कि वो इजी होते हैं, और सेकेंड पार्ट उतना ही घातक है उसका कि वो कहीं से भी आते हैं, इट कैन लिटरली कम अप एंड क्रॉप अप फ्रॉम एनी टॉपिक, एग्रीड? और इसी के वजह से इस बार एएस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि तुमको पता चला, मैंने बताया कि एएस के बेस पर पेपर आने वाला है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और मेरा इस बार प्रेडिक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 1 और 6 जो फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर एएस पर ज्यादा फोकस रहेगा ऐसा मुझे लगता है। अब जरा बेटा एक और बार दूसरा पैटर्न भी देख लेते हैं, नवंबर 18 का पेपर आया था, इसमें 4 क्वेश्चन आए थे 5 मार्क के, फिर मेरे हिसाब से इधर 2 क्वेश्चन आए थे 10 मार्क के, 2 क्वेश्चन, और इधर आ गए बेटा जी 5 क्वेश्चन आए कितने मार्क के? 5 मार्क के, तो कुल मिलाकर इसमें से भी एनी 4 थे, सो कैन आई नॉट से 4 + 5 क्या? सो कितने क्वेश्चन आ गए थे? 9। कितने मार्क्स? 45 मार्क्स। तुम ये प्लान तो आज थोड़ी ना कर रहे थे, बचपन से करते आए हो, याद करो तुम ऑब्जेक्टिव को पहले फोकस करते थे कि नहीं करते थे? सेम अप्रोच अपने को फॉलो करनी है अभी, वी हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन द स्मॉलर क्वेश्चंस, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट, मई 19 और नवंबर 19 को एक बार देख लेते, इधर कितने क्वेश्चन आए बेटा जी? 4। फिर इधर क्वेश्चन बी और सी अगेन फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स, सो 2 क्वेश्चन पकड़ लू क्या? और इधर कितने? और 5, सो अगेन कैन आई नॉट से 10 क्वेश्चन आए बेटा जी? 10 आए, 4 2 4 2, और इधर 4 4 2 6 6 4 10, एम आई कम्युनिकेटिंग? एंड द लास्ट पार्ट विल कम आउट हियर, यहां पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? 5, इधर 5 1, मतलब ये क्वेश्चन आ गए 4 1 6 4 1 5 6 6 7 7 और 4, 11, इस बार 11 क्वेश्चन आए नवंबर 19 में, देख पा रहे हो क्या आप? सो बेटा जी पेपर इजी है, प्रोवाइडेड यू कंप्लीट होल ऑफ योर सिलेबस, ऑप्शन में छोड़ा रिस्क है। अच्छा तुमको क्या लगता है मेजॉरिटी बच्चे किसकी वजह से फेल होते हैं?
जिन बच्चों ने पेपर दिया उनसे पूछना चाहूंगा, मेजोरिटी बच्चे किस वजह से फेल होते हैं? आवाज नहीं आ रही यार, बोलना जोर से। पढ़कर नहीं जाते हैं वो तो गधेड़े हैं, फिर भाला डालना चाहिए उनको तो। त्रिशूल डालने का, ठीक है त्रिशूल डालेंगे। नहीं नहीं एक्चुअली लेट्स मेक लिटिल सेंस, क्यों फेल होते मेजोरिटी? कुछ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये देखो यार सीधा, देखो 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 एकदम सीधा सिंपल रखते हैं। अगर कोई पढ़ाई नहीं करके जा रहा है और कूद रहा है तो साला बाहर में जाए कूद। उन बच्चों को क्या अपन फेल कराएंगे? इंस्टीट्यूट उनको फेल नहीं कराते, वो तो आते हैं पैसा डोनेशन देकर चले जाते हैं, हमको भी डोनेशन देकर जाते हैं, उनका बात ही नहीं चल रहा है। मैं बात किसका कर रहा है मालूम है क्या तुमको? कि जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसने पढ़ाई की और वो फेल हो गया, और तुम उसका हिस्सा ना बनो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है एग्रीगेट की वजह से। एग्रीगेट समझते हो कि बच्चा इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में पास है बट सारा स्कोर नहीं कर पाया, 50% एवरेज, तो एवरेज की वजह से बच्चा फेल हो जाता है। आ रही बात ध्यान में? तो बेटा जी उस केस में ये आपके 5-5 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जाते हैं। एंड विथ सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में अगर हम रोल देखें इनका 5-5 मार्क का, सो इट विल टर्न आउट टू 20 मार्क्स। आप जरा अपने सीनियर्स को जाके पूछना, 200 में से 180 मिलने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मतलब आपका एक पेपर में 5 मार्क का झोल, 5 मार्क का गफला इज इक्वल टू 20 मार्क्स गफला इन ऑल द 4 पेपर्स एक ग्रुप के। 20 मार्क का गफला आप जाके देख लेना, आपको ऐसे थोक में मिलेंगे 180 जिनको मिला है, 180 जिनको मिला है। मेरी बात समझ आ रही है? सो बेटा जी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि तुम कोई भी गलती करना, थर्ड गलती मत करना कि सिलेबस को ऑप्शन में छोड़ना। पहले जैसा नहीं रहा क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सिलेबस को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। अब गलती और क्या करता है बच्चा पता है क्या पेपर में? कि बच्चा उन टॉपिक्स को बहुत फोकस करता है जो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स है। अब ये बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम पर एक ही क्वेश्चन आ रहा है 20 मार्क का, वो भी सिर्फ मई 18 और नवंबर 18 में 20-20 मार्क के क्वेश्चन आए थे। सिर्फ मई 18 में 20 मार्क का क्वेश्चन आया था, वो भी दो, एक और दो, दिख रहा है क्या? एक एक 20 मार्क का, बाकी के कहीं पर भी देख लो आपको एक क्वेश्चन आया हुआ नहीं दिख रहा है। 20 मार्क का क्वेश्चन, ये देखो मैं इरेज कर रहा हूं, 20 मार्क का क्वेश्चन, ये देखो एक क्वेश्चन इधर एक क्वेश्चन इधर, ये 20-20 मार्क के क्वेश्चन थे। बाकी कहीं पर भी आपको 20 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ दिख रहा है क्या? बच्चा कहां पे डरता है? कि बहुत टफ क्वेश्चन रहा ना किसी टॉपिक का, वो नहीं आ रहा है तो बच्चा डर जाता है। इनफैक्ट वो डरने की जगह है ही नहीं, क्यों? मैक्सिमम झोल भी होता है तो इट इज अबाउट हाउ मच, 20 मार्क्स, बट स्टिल यू आर सेफ विथ हाउ मेनी मार्क्स, 100 मार्क्स तुम सेफ हो उसमें, क्यों? पेपर आएगा 120 मार्क का, उसमें से तुम 100 मार्क्स सेफ हो, फिर भी तुम 100% पेपर लिख कर आ सकते हो अगर जैसा मैं बताऊं वैसा करोगे तो। जहन में बात बैठी? सो बेटा जी मुझे मिस्टेक थर्ड नहीं चाहिए। क्या थर्ड मिस्टेक? लिविंग द थिंग्स ऑन ऑप्शन। ये पहली चीज डिसाइड करते हो कि तुम पास होगे या फेल होंगे। ये शुरुआत से अगर मन में ढाल के रखोगे कि मैं ऑप्शन में नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ोगे, ठीक है। मिस्टेक नंबर 1 क्या बताया मैंने, मुझे याद ही नहीं आ रहा यार। ग्रुप 2 करते हो, ग्रुप 1 के ऊपर फोकस करने का, अच्छा तो मिस्टेक नंबर 1 अवॉइड करोगे। मिस्टेक नंबर 2, आपको कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है? इंस्टीट्यूट का पक्का पहले, और उसके बाद में अगर समय मिला तो, अगर जान बची तो बाकी का। अच्छा मिस्टेक नंबर 3, लिविंग अ टॉपिक इन ऑप्शन। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूं एक लाइन भी ऑप्शन में नहीं छोड़नी है। इज दैट ओके? सो राइट डाउन पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न लिखिए। फोकस मोर ऑन क्या, किस पर फोकस करोगे? फोकस मोर ऑन 5 मार्क्स क्वेश्चन, फोकस मोर ऑन 5 मार्क्स क्वेश्चन at an average they have weightage of, at an average they have weightage of 45 to 55 marks, at an average they have weightage of 45 to 55 marks। ये सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 45 to 55 marks कैसा है? At an average they have got weightage of 45 to 55 marks। Is that okay? राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, ये हो गया वेटेज के बारे में बात। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, डू नॉट लीव एनी टॉपिक इन ऑप्शन, डू नॉट लीव एनी टॉपिक इन ऑप्शन, डू नॉट लीव एनी टॉपिक इन ऑप्शन। इसका गणित क्या है? डू नॉट लीव एनी टॉपिक इन ऑप्शन,
देखो मान लो एक एक एग्जाम का एक पैटर्न विजुअलाइज करते, कैन यू विजुअलाइज अलॉन्ग विथ मी। देखो 20 मार्क का एक क्वेश्चन गया, क्योंकि 20 मार्क का क्वेश्चन टफ आता है, सपोज एक गया, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, एक क्वेश्चन टफ था बहुत, गया साला, और जाता ही यार इधर मेरिट रैंकर्स के भी है ना, वो एक हाथ क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि वो बोलता है कि नहीं यार ये नहीं जम रहा है, 20 मार्क का एक क्वेश्चन ऑन सेफर साइड गया आपका। अब होता क्या है कि बचे हुए 100 मार्क जो है उसमें से अगर आपको लिखते आ रहा है बट आप लिख नहीं पाए कितना, 5 मार्क का क्वेश्चन, वाई, बिकॉज आपने उसको ऑप्शन में छोड़ दिया था। मैं अभी कौन सा बोल रहा हूँ, टाइम है तुम्हारे पास बट तुमको आंसर नहीं आ रहा है, क्यों आंसर नहीं आ रहा, टॉपिक कॉन्सेप्ट इजी है बट आपने पढ़ा नहीं, तो 5 मार्क आपका स्किप हो गया। तो कितने मार्क्स का स्किप हो गया, चारों पेपर में एक एट एन एवरेज निकालते तो 20 मार्क। और मैंने आपको ये चीज समझाई क्या, 180 मार्क मिलने वाले बच्चे आपको ठोक में मिलेंगे, 200 मार्क मिलने वाले बच्चे कम मिलते हैं। जो बच्चे पहले सीपीटी में है ना उनको बहुत जल्दी क्लिक होगी मैं जो चीजें बोल रहा हूं, कि सीपीटी में 200 में से 100 लेकर आने वाले बच्चे थे बट 90s में अटके हुए बच्चे भी बहुत सारे थे। द मार्जिन ऑफ एरर वॉज वेरी स्मॉल, द मार्जिन ऑफ एरर वॉज वेरी वेरी स्मॉल, एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू फॉल द ट्रैप इन द फॉल इन द ट्रैप ऑफ मार्जिन ऑफ एरर, वो नहीं करना बिल्कुल भी। 5 मार्क के क्वेश्चन के साथ झोल नहीं करना, आना है मतलब आना है, बात खत्म। 20 मार्क के साथ एक बार झोल करना करो, 5 मार्क के साथ करोगे क्या, नहीं। दिस आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मस्ट अचीव मार्क्स है, चाहिए मतलब चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट मी आस्क यू द फोर्थ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द पेपर पैटर्न। तुम्हें क्या लगता है कि बीकॉम का पासिंग परसेंटेज कितना होता है? कितनी प्यारी बोली बच्चे, बोले सब पास होते, बोले सर जब मेरे को कभी ऐसा डाउट होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस डीमोटिवेट होते रहता है तब मैं ऐसा करता हूं सर बीकॉम की एग्जाम दे देता हूं क्योंकि मालूम है कम से कम इधर तो पास हो ही जाऊंगा। मतलब ए, वो लास्ट बेंच पर कौन है, वो रसगुल्ला है क्या, शिट, लाइव बैच में शॉक में आ गया बे, रसगुल्ला है ना लाइक, ठीक है। हाँ वेर वर बी, ये कहाँ पे थे अपन, पॉइंट नंबर फोर्थ पर थे, रसगुल्ले ने साला पूरा का पूरा बैंड बजा दिया आज। हाँ पॉइंट नंबर फोर्थ पर थे, पॉइंट नंबर फोर्थ में क्या बात चल रही थी अपनी, कि यू आर गेटिंग इन द एग्जाम, ये अपन कौन से थे पॉइंट फोर्थ पर, हाँ राइट राइट। तो बीकॉम एग्जाम्स में तुमको ये मतलब बहुत मुश्किल होता है फेल होना, बट मैं आपको बीकॉम में भी फेलियर परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, देखना आप भैया चेक कर लेना, हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड बिलो 50% इन बीकॉम। ऑलराइट दैट्स ग्रेट, एक भी बच्चा नहीं यार, कम ऑन एक बार ताली बनती है यार, ये ग्रेजुएट्स है अपने क्लास। सो बीकॉम में 50 के ऊपर ही मिलते हैं तुमको, ऐसा मुझे समझ में आया अभी, गुड। बट मैं आपको बताऊं, अगर मैं 50 का कट ऑफ निकाल दूं, मतलब तुमको समझ में आ रहा है क्या, 50 का कट ऑफ नहीं है अभी, बट अगर वी इंट्रोड्यूस अ 50 का कट ऑफ तो रिजल्ट परसेंटेज विल ड्रूप डाउन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 50 मार्क्स का कट ऑफ इंट्रोड्यूस हो जाए बीकॉम में या फिर 11th 12th में, तो जो बच्चे उसको लिखते और जो फेल होने वाली तादाद है वो काफी बढ़ जाती है। सो हमारी जो सेकेंड चैलेंज है, सबसे बड़ी चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि CA एग्जाम में पास होने के लिए आपको एट एन एवरेज 50 मार्क चाहिए, और इस बार एग्जाम देकर पास हो जाना, अभी जो मेरे पास लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसके हिसाब से ये पासिंग परसेंटेज बढ़ाने वाले हैं। मैं तुमको जेन्यूनली बोल रहा हूँ और कोई फेंक नहीं रहा हूँ, सच्ची में बात बता रहा हूँ, अभी पासिंग परसेंटेज 50 मार्क्स है बट आने वाले समय में शायद इसको बढ़ा दे, कुछ कारण है बट बढ़ा देंगे। तो ऐसा भी चल रहा है उनका प्रपोजल कि सब्जेक्ट वाइज पासिंग कर दे, सब्जेक्ट वाइज, समझ में आता है क्या, सारे सब्जेक्ट एक साथ पासिंग होना नहीं चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, दिस इज अंडर कंसिडरेशन एंड इट माइट हैपन, बट एनीवेज लेट्स नॉट बिलीव ऑन सम अफवाइज एंड ऑल, कोई अफवाह वगैरह पर बात नहीं करेंगे, बात मुद्दे की करते कि मेरे राजा बेटा अब 50 मार्क तुझे चाहिए और तुझे मिले अगर मान लो 49, तो पास या फेल, कितने का मार्जिन रहा एरर का, 1 मार्क का। अब ये एरर किसकी वजह से हुआ, आई टेल यू, यू डू नॉट कंप्लीट योर पेपर, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम आएगी। अभी एक पोल ले लेते, जिन बच्चों ने ग्रुप वन दिया ऐसे कितने बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, वो हाथ ऊपर करो, कोई भी पेपर अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो हाथ ऊपर करो। नहीं नहीं बिंदास तो करो एक बार, अरे इन बच्चों को पता चलना चाहिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर सोशल वर्कर यू नो, सो आप देख पा रहे हो कि इन बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ,
और ये बच्चे जो बोल रहे हैं ना, ये सही बता रहे हैं, दिस पीपल आर नॉट लाइंग, पेपर कंप्लीट नहीं होता, बहुत लेंदी आता है पेपर, पेपर आता होता है बट बहुत लेंदी होता है, उस केस में प्रॉब्लम। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर लेंदी सिर्फ एक बच्चे के लिए आता है कि पूरे के पूरे इंडिया के लिए आता है, पूरे इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं गलती हमसे भी होती है, क्योंकि हम अगर एक आध या 10 बच्चे पेपर कंप्लीट करके आते हैं और बाकी के बच्चे कर नहीं आते, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है बाकी के बच्चों से जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। पहली चीज, घर पर जब होमवर्क करोगे तब होमवर्क गिवन टाइमलाइन में ही करने की कोशिश करना। ग्रुप वन में मैंने आपको काफी ग्रूम किया इस चीज के लिए, आपको समझाया, टाइमर पर भी क्वेश्चन किए। अभी मैं वापस आपको ये समझाऊंगा और पूरा दिमाग में डालूंगा कि यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन टाइमर बेस्ड। टाइमर बेस्ड मतलब क्या? इन ए गिवन टाइमलाइन। हे, नहीं समझ में आ रहा, कैसे लिखोगे? इन ए गिवन टाइमलाइन। आप टाइमलाइन में ही चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर सर एवरीवन? ऑलराइट, तो कितने मिस्टेक्स हो गए अभी? चार। पहला मिस्टेक, ग्रुप वन के बारे में चिंता करेंगे, चिंता नहीं। ग्रुप सेकंड चिंता, सेकंड प्रॉब्लम आईसीआई का मटेरियल। थर्ड, कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करोगे? 5 मार्क के लिए। तो इसके लिए क्या हम कोई भी चीज ऑप्शन में छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। इनफैक्ट पासिंग का सबसे रामबाण उपाय, हर चीज कर लो और 5 मार्क के एंगल से करो। ज्यादा टफ है टेंशन न लो, क्योंकि ज्यादा टफ 5 मार्क के लिए नहीं आ सकता। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, क्या सिखाया अभी मैंने? क्या पेपर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करोगे क्या? यस और नो? अच्छा, पेपर डायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा या आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? कैसे प्रैक्टिस करोगे? डायरेक्टली एग्जाम में? हाँ, घर पर। अगर तुम ये चीज खुद के ऊपर बंधन डाल के रखोगे कि मुझे बाकी के बच्चों से आगे जाना है, तुम्हें फर्स्ट नहीं आना है, तुम्हें बाकी के इंडिया के बच्चों से आगे जाना है, और अगर तुम आगे चले गए ऑटोमेटिकली यू विल क्वालिफाई एज अ सीए, इट्स अ परसेंटाइल वाला रूल यार। तो इसमें अगर तुम बाकी के बच्चों से भी आगे चले जाते हो यू विल पास। अब कोई ना कोई तो पास होंगे ना भाई, तुमको बस उनको बीट करना है एंड यू विल पास। संतोष देख तो रहे इनको, कहां बेटा मैं कहां से आए हो? वाओ, यू आर लुकिंग लाइक दैट। ठीक है, हाँ ठीक है, कल वहां पे शिफ्ट कर देंगे, कल उस क्लासरूम में चले जाएंगे, ठीक है ना? यस। अभी तुमको एनालाइक तुमको कोई क्वेरी है? अभी कोई क्वेरी? पक्का? चलो लास्ट पांचवें पॉइंट पर आ जाए। पांचवें पॉइंट समरी पॉइंट है और फिर हम सिलेबस के लिए शुरू कर देंगे आज। पांचवा पॉइंट समरी है, समरी पॉइंट कर दूं? ये उम्र ऐसी है ना कि तुम्हें इस बार है ना बहुत लोगों की याद आती रहती है, नहीं आती है तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे माँ बाप नहीं समझते बात, वो ठीक है, बट नहीं आती है तो प्रॉब्लम है, और आती है तो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब ये नेचुरल है एकदम। नाउ हैविंग सेड दैट, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, डू नॉट स्क्रू अप योर करियर बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो आपके अफेयर्स, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस एक गड्ढे में बांध कर रख देने का, बिल्कुल इज्जत नहीं करने की उसकी, कितनी भी बेइज्जती हो टेंशन नहीं लेने का। कोई प्यार मोहब्बत वाले नाटक अभी नहीं चाहिए, अगर जान रही इंटर के बाद तो करेंगे, और अरे नहीं तो क्या यार, मैं तुमको पूरा फुल प्रूफ प्लान बता रहा हूँ यार कि कैसा तुम तुम्हारे मुकाम तक पहुँच सकते हो, स्पेशली बॉयज। मैं फुल प्रूफ, अरे आई एम योर वेल विशर, मैं इनफैक्ट आपको हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे पहुँच सकते हो। अगर तुम इंटर का ही गेम खेलते रहोगे तो कैसे जाओगे? बराबर है? अरे नहीं, उसका पप्पा पूछता है क्या करता है बेटा तू, बोले इंटर के एग्जाम दे रहा हूँ और आपकी बेटी की वजह से, या फिर बेटी बोलेगी आपके बेटे की वजह से मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ, ऐसा नहीं चलता है भाई। तो समझ में आ रहा है क्या? तो जो बच्चे मामा और बुआ नहीं बनना चाहते दे विल फोकस ऑन देयर स्टडीज प्रॉपरली, फालतूपना नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात ध्यान में? दूसरी चीज, बीमार नहीं होना है, समरी पॉइंट। ये तो मैं बता बता के थक गया हूँ, और इतने रोगी बच्चे मिलते हैं सीए कोर्स में कि बस पूछो मत। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बच्चा आता है, सर ये प्रॉब्लम है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, मतलब कुछ कुछ तो चीजें मुझे समझ में नहीं आती, ऐसे कैसे दुखने लग गया ये पार्ट, आई डोंट नो, इट नेवर हैपेंड विद मी। सो द नेक्स्ट थिंग इज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लव अफेयर्स दूर में,
पढ़ाई का ध्यान रखने के लिए आपको और एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपकी तबीयत का। इमोशनल अत्याचार नहीं करोगे खुद के ऊपर कि मैं आज रात को 2 बजे तक बैठ के पढ़ा, किसी ने नहीं बोला नहीं करने का, 12 बजे तक पढ़ो मैक्सिमम, जाके सो जाने का। मेरे क्लास का रूल सिंपल है, अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, अगर तुम रात को सो कर नहीं आए तो मुझे गुस्सा आएगा। मैं आज तक ऐसा काम नहीं किया ना कभी करूंगा कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया कंप्लीट तो आई कैन एक्सक्यूज यू, बट इफ यू हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली देन यू आर मिसिंग नॉट वन क्लास, यू आर मिसिंग ऑल द क्लासेस। प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हारा एक क्लास का बैंड नहीं बजता है, तुम्हारा क्लास का बैंड बजता है पूरे चारों के चारों। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें जोर जबरदस्ती हो मेरे बच्चों के साथ, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप भी कभी मेरे को ये करने के लिए मजबूर ना करेंगे, ठीक है? जब तक आपको पॉसिबल है घर पर पूरा प्रिपरेशन करके आना एंड स्टडी रेगुलरली, इज दैट ओके? तुमको कोई क्वेरी अड़चन, क्या पूरी क्लास को सिलेबस समझ में आया? अच्छा, AS हम रेगुलरली पढ़ेंगे, AS हम रेगुलरली पढ़ेंगे, रेगुलरली मतलब हर बार AS हम लास्ट में पढ़ते थे, इस बार AS लास्ट में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि AS की क्वांटिटी ज़्यादा है। सो AS शायद हम वीक के 2 दिन AS पर फोकस करेंगे और बाकी के पूरे दिन विल बी फोकसिंग ऑन दी सब्जेक्ट्स, ठीक है? कुछ AS हम लास्ट में करेंगे बट बाकी के AS हम वीकली 2 दिन AS करेंगे। कोई और क्वेरी? क्या सभी के दिमाग में हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी? सो फिर देरी किस बात की है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो दिखा दिया, सो राइट डाउन, राइट डाउन। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट लिख के लेके आया मैं तुम्हारे लिए, ये तुम हो उधर बैठे ले, हाँ द सोल यूजुअली नोज व्हाट टू डू टू हील इटसेल्फ, द चैलेंज इज टू साइलेंस द माइंड। और जिन बच्चों ने मेरे साथ ग्रुप वन किया उन ग्रुप वन के बच्चों को पता है कि तुम्हारे दिमाग में जो चटर पटर जो दिन भर चलते रहता था, टेंशन स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, मेरे को पढ़ाना मुश्किल नहीं गया इतना जितना मुश्किल मुझे आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में को गया। सो अपने दिमाग को ट्रेन करो, शांत करो, एकदम कूल बनो, सब चीजें आराम से हो जाएगी। इज दैट ओके? तुम अपने आप को हील कर सकते हो, डोंट वरी, थिंग्स शुड बी ऑल फाइंडिंग इन इट्स प्लेस, फॉलोइंग इन इट्स प्लेस, ठीक है?